इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, साथ ही इस वीडियो को अपने समाज में अपने दोस्त महिम को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य किस प्रकार अंधकार में है और उस अंधकार को दूर करने के उपाय क्या है। कुछ दिन पहले, क्या एक सप्ताह पहले, हम ये वीडियो देखे थे, टीवी भी देखे थे। उसमें ये पॉइंट था कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो बीए में कर लिए हैं, 90-80% नंबर लाए हैं, लेकिन रिक्शा चलाते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन 40-50 के आसपास नंबर लाने वाले अफसर बने हुए हैं। अब दोनों में फ़र्क को जान लीजिए। जो 40-50 मार्क्स का लाए हैं वो अफसर बने हैं, किस लिए, कैसे? अब ये दोनों यदि अफसर बने हैं तो उनका ये किस प्रकार काम करते होंगे, ये भी दिमाग में रखिए। और 90% वाले, 80% वाले जो नहीं कर पाए हैं और रिक्शा चलाते हैं, उनका भविष्य कहाँ है? सिर्फ उन्हीं का भविष्य नहीं बल्कि उनके पीढ़ी, दो पीढ़ी खराब हो गया, दो पीढ़ी आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसका वजह क्या है? इसका वजह सिर्फ राजनीति है, राजनीति और नेता लोग। आप देखते हैं कि अगर हम 70-80 दशक से पहले को ध्यान में रखें और आज को ध्यान में रखें तो दोनों में कितना फर्क है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी नहीं रहने से आज के बच्चे अंधकार में हैं, अच्छे सर्विस नहीं पढ़ पाते हैं, अंत में थक हार करके रिक्शा चलाने लगते हैं या कोई दूसरा काम करने लगते हैं, उनका शिक्षा के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमें ये देखना है कि राजनीति क्यों है इसमें, इसका कारण। तो राजनीति में जो नेता हैं वो अगर विरोधी हैं तो विरोध करते हैं व्यक्तिगत रूप से, जबकि सिद्धांत के लिए विरोध करना चाहिए लेकिन व्यक्तिगत रूप से करते हैं। वो भी किस प्रकार? तो अपने पिता दादा का लोग नाम नहीं लेते हैं, इज्जत के कारण प्रतिष्ठा देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आज के नेता जो हैं, भले ही वो पप्पू ही क्यों ना हो, लालू छोटू क्यों ना हो, लेकिन वो अध्यक्ष बने हुए हैं और वो अपने से जो अनुभवी हैं उनके 50 साल के अधिक उम्र के हैं, फिर भी उनको तलवे चाटना पड़ता है। वो यदि सत्ता में आएंगे भी तो किस प्रकार शासन करेंगे, किस प्रकार बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे, ये कल्पना करने की बात है, सोचने की बात है। जैसे आज है, हम एक टीचर होने के नाते हमने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है कि हमारे पास जो छात्र आते हैं बीए, एमए, 10th 12th सभी आते हैं। बीए एमए के छात्र जो डिग्री लिए हुए हैं वो अपने आप को समझते हैं हम एमए हैं, बीए पास किए हैं या बीएससी किए हुए हैं, लेकिन यदि उनको माइनर चीज़ पूछा जाता है, छोटा सा चीज़, तो उसके संबंध में अपना तर्क नहीं दे पाते हैं। जो आदमी रट करके पास किया वो उसके संबंध में आंतरिक नॉलेज, जानकारी नहीं है, तो किस प्रकार से वो अच्छे सर्विस पाएंगे, ये अंदाज कर लीजिए। अगर पूछा जाता है उनके उन बच्चे को, जैसे मान लीजिए कि वह जाता है, ही गोज, वे जाते हैं, दे गो, इसमें एस आई एस क्यों लगा और एक में एक क्यों नहीं लगा, या ये यदि पूछ दिया जाए इसमें HV का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यानी EJRM का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, शायद उम्मीद करते हैं कि इसमें नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मेरे पास आए थे बच्चे, नहीं जवाब दे पाए, बोल लिए, सेंटेंस तो बना दिए लेकिन उसके संबंध में क्यों होता है वो नहीं बोल पाए। अगर इन छात्रों को टीचर के रूप में अगर कहीं अपॉइंटमेंट हुआ तो ये बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देते होंगे जो आज तक होते आ रहा है।
आज के बच्चों में जो कमी है यही कमी है, जो शिक्षक जो हैं वो अनुभवी नहीं हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा हैं, किताबी कीड़ा हैं, और दूसरे बच्चों को भी रट्टा करके पास करवा दिए। अब पास करवा दिए तो फिर उनको उनके पास नॉलेज है नहीं, तो किस प्रकार से अच्छे सर्विस प्राप्त करने के लायक बन सकेंगे। अब हम इसके संबंध में ये दूसरी ओर चलते हैं कि इस अंधकार से निकलने के लिए क्या उपाय है। राजनीतिक के ओर ध्यान देते हैं तो ये भी है कि छात्रों को राजनीतिक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पेटी डिस्प्यूट में ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, छात्रों को अपने विषय संबंधी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यदि राजनीति या नेता के कारण किसी छात्र के का भविष्य अंधकार में हो रहा है तो इसको दूर हटाना एक नागरिक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते बहुत आवश्यक है। छात्र को ही नहीं बल्कि हम ये कहते हैं हमारे समाज के सभी लोगों को इसका इसके लिए जागरूक होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि सबसे पहले हमें ऐसे नेता चाहिए जो देश का सम्मान, नेताओं के सम्मान, अपने ऐसे अनुभवी नेताओं का सम्मान प्रतिष्ठा करते हुए राजनीति होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी वर्तमान में देखिए ये क्या हो रहा है राजस्थान में सिर्फ वंश परंपरा को बचाए रखने के लिए एक जुझारू नेता, हम नाम तो नहीं ले रहे हैं लेकिन जुझारू नेता हैं, उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि यदि वो स्थान में आ जाएंगे तो उसके जो अध्यक्ष हैं जो कुछ महत्वाकांक्षा रखे हैं वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए उनको दरकिनार कर रहे हैं और उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो वो जो नेता हटाए गए हैं उस नेता का दिमाग कहाँ होगा ये सोच लीजिए, जब वो फिर सत्ता में आएंगे तो किस प्रकार से विकास कर पाएंगे या बच्चों के भविष्य का निर्माण कर पाएंगे ये ध्यान में रखने की जरूरत है, हम समाज के लोगों को रखने की जरूरत है छात्रों के अलावा। इसलिए कि ये वीडियो सिर्फ छात्र के लिए नहीं है बल्कि राजनीति को हम इस प्रकार सुधारना है ताकि बच्चों के भविष्य पीढ़ी दर पीढ़ी खराब न हो, इसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। अब अगर दूसरी ओर देखें कि आज के छात्र जो बीए में कर चुके हैं अब तो पीछे नहीं लौटेंगे, उनका आगे जाएंगे, अब उनके लिए क्या क्या करने की जरूरत है। तो वर्तमान समय में जो बीए में कर चुके हैं वो छात्र अपने अध्ययन को पुनः रिवाइज करें ताकि आंतरिक जानकारी मिल सके, और जानकारी मिलने के बाद ही वो सर्विस सरकारी जॉब प्राप्त करने के लायक बन पाएंगे। इसका मतलब है कि 2 साल 1 साल उनको ये रहना सर्टिफिकेट पर ध्यान न देकर के उसको ज्ञान हासिल करने की जरूरत है जो आंतरिक नॉलेज जानकारी से ही मिलेगा। जैसा कि हमने उदाहरण दिया कि छोटे से छोटे प्रश्न अगर पूछा जाता है बच्चों को तो जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं उसके संबंध में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। एक उदाहरण हम और दे रहे हैं बच्चों को ध्यान में रखने के लिए ताकि वो अपने में सुधार ला सके। अगर किसी छात्र को पूछा जाए कि प्राचीन समय के लोग ग्लास में चाय पीते थे, इसमें अगर पूछा जाता है ये तो बना लेंगे, रटे रटाए चीज को बोल देंगे, लेकिन इसमें यदि छात्र को पूछा जाता है कि टुक के बदले हम दूसरे शब्द का प्रयोग करें तो शायद नहीं दे पाएंगे। किस लिए कि टेक शब्द यहाँ क्यों आता है, ये पास्ट है तो टुक क्यों हो गया, इसके बदले एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेने के लिए पुनः रिवाइज करना चाहिए, जो हमारे इस YouTube चैनल में एजुकेटेड एरा में प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक रूप से दिया गया है इसे देखें ताकि आंतरिक जानकारी हो
और अपने भविष्य को निर्माण करने के लायक बन सकें। जरूरत इसकी है, पीछे तो आएंगे नहीं, लैब तो अपने सर्विस के लायक हो गया। अब हो सकता है किसी बच्चे को, किसी छात्र को शादी भी हो गया हो, बच्चे भी हो, तो बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इसलिए वर्तमान समय के छात्र को अपना पुनः जिंदगी ऐसा बनाना है ताकि आने वाले पीढ़ी पर में इसका कोई असर ना हो। राजनीतिक और नेता, इसके ऊपर में हमें अधिक फोकस करनी चाहिए कि ऐसे नेता जो हमारे सामने में हैं वो देश की विकास किससे होगा, इस पर यदि ध्यान रखते हैं तो सपोर्ट करेंगे, यदि ध्यान में नहीं रखते हैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे देश का विकास तीन चीज से होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रोडक्शन, और तीनों चीज में चाहिए आंतरिक ज्ञान, दिमाग का विकास, सर्टिफिकेट नहीं। इसलिए हम छात्रों से आग्रह करते हैं और हम अपना सलाह देते हैं कि दिमाग का विकास करते हुए यदि सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हासिल करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी हो या न हो, अपना प्रोडक्शन करके अपने भविष्य एवं पीढ़ी दर पीढ़ी के भविष्य को उजागर कर सकते हैं। धन्यवाद।